हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इससे हमें कई सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी, है ना। पहली चीज़ तो ये है कि जैसा कि हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि IIT JEE में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जिसमें हमें बहुत सारे डेटा याद करने हों, है ना। बहुत सारे जो डेटा होते भी हैं वो क्वेश्चन पेपर के शुरू में लिख दिए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, चार्ज हो गया, प्रोटॉन का मास, चार्ज, ये सारी चीज़ें लिख दी जाती है ना। लेकिन यहाँ पर पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डेटा हमें याद करना, हमें रटना है। रटने वाले क्वेश्चंस कभी भी IIT JEE में नहीं पूछे जाते थे। ये पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें कई सारे डेटा जो हमें रटने पड़ेंगे, बिना रटे हुए इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते। तो ये पहला चीज जो है इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा कि अब हमें कई सारी चीजें रटनी भी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी चीज हमें यह सीखने को मिलेगी कि अब IIT JEE मेंस में NCERT का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो डेटा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में वो डेटा जो है NCERT बुक में दिया हुआ है ना। तो उस बुक को आप पढ़ेंगे तो उसके डेटा को आप याद करेंगे, तब ये क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि NCERT का जो इम्पोर्टेंस है अब वो ज्यादा हो गया है। मतलब IIT वाले ये बताना चाहते हैं कि NCERT आप पढ़ें, है ना, NCERT आप पढ़ें तभी जो है आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक। तो एक दूसरी चीज ये सीखने को मिल गई, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें चार मेटल्स दिए गए हैं और चारों मेटल्स के जो रेजिस्टिविटी होती है उनका ऑर्डर दिया गया है डिफरेंट ऑप्शंस में। हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करने, ठीक। तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखेंगे कहा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी फॉर एल्यूमिनियम, मरकरी, कॉपर एंड टंगस्टन, ठीक है। ये चार मेटल्स दिए गए हैं और जो चार ऑप्शंस हैं उनमें देखेंगे कि इनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर दिया गया है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है वो हम तब पता कर पाएंगे जब हमें इनकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू याद हो या कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया हो। वो आइडिया तभी लगेगा जब हम लोग उस टेबल को देखेंगे, NCERT के टेबल को देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पर रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है, मरकरी का रेजिस्टिविटी देखेंगे ये है, ये एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी है, ये कॉपर का है और ये जो है टंगस्टन का है। तो इसको देखने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी जो है वो मरकरी का है, उसके बाद जो रेजिस्टिविटी आता है वो टंगस्टन का है, तीसरे नंबर पर रेजिस्टिविटी आता है एल्यूमिनियम का और चौथे नंबर पर रेजिस्टिविटी आता है कॉपर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर है वो फोर्थ वाले में दिख रहा है, मरकरी जो है, मरकरी का रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा पहले वाले में दिया गया है। देखिए पहला ऑप्शन मरकरी का रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम है थोड़ा सा ये टंगस्टन में, उससे कम है एल्यूमिनियम में और उससे कम है कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, इसका मतलब यह है कि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, यानी इन चारों मेटल्स में सबसे बढ़िया कंडक्टर जो है वो कॉपर है ना। अगर हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो कॉपर होगा, ठीक है। कॉपर से थोड़ा सा कम जो है वो कंडक्टर कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, उससे भी जो थोड़ा सा खराब कंडक्टर होगा वो होगा ये टंगस्टन, है ना। और सबसे खराब कंडक्टर जो होगा इनमें वो होगा मरकरी, है ना। तो रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी, है ना। तो यहां पर कॉपर जो है सबसे बढ़िया कंडक्टर है और मरकरी जो है सबसे खराब कंडक्टर है इन चारों में, ठीक है। रेजिस्टिविटी की बात करें तो मरकरी जो है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है और जो कॉपर की बात करें उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन है।